हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम। आई एम मिर्जा एहतशाम बेग, योर क्वांट एजुकेटर, योर मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा अलजेब्रा का सेगमेंट चल रहा है, ठीक है, और इस सेगमेंट में आज आपका डे फोर है एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं उन सब में कुछ ना कुछ टेक्निक छुपी हुई है। तो गाइज, उस चीज को याद रखिएगा कि किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है। मैंने आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, जो पहली बार देख रहे हैं क्लास, आप मेरे प्रीवियस क्लासेस जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले भाई एक काम करिए, इस चैनल को डी कोड एग्जाम डिफेंस, ओके, डी कोड एग्जाम डिफेंस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और आपकी जो जो भी क्वेरीज हैं जस्ट पुट अप देयर, ओके, कमेंट बॉक्स में आप वहां पे क्वेरीज लिख सकते हैं। सो गाइस, यहां पे समझने की जरूरत है कि जो आज का जो सेगमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अच्छे सवाल हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अलजेब्रा में क्यों आपको लेके चल रहा हूं, क्योंकि अलजेब्रा से ही आपके जो हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर टेस्ट सीरीज फॉर दिस सेगमेंट, ओके, ये ध्यान रखिएगा। हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम जो कि आपका किसमें है, सेप्टेंबर में है, सो दैट यू कैन गेट एन एक्सेस एंड एन एक्सपोजर। द बेस्ट थिंग इज क्या, आपको एक्सपोजर मिले, क्योंकि जब आपको किसी चीज का एक्सपोजर नहीं मिलता है तब आप वो चीज जब पहली बार कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हैं, डर होता है, वो डर को हमें क्या करना है, खत्म करना है। सो जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इस चैनल को, तो स्टार्ट करते हैं इस आज के सेशन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है, ठीक है। कैसे आप इसे अप्रोच करेंगे, कैसे आप करेंगे, बस ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो जस्ट बी देयर विथ मी, ओके। तो चलिए देखिए, लेकिन एक चीज और जरूर करिएगा, आप कभी भी क्वेश्चन को करिए तो पहले जब मैं आपको करा रहा हूं, जस्ट पॉज दैट बटन, ओके, आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप उसको खुद करिए, फिर नहीं होता है या होता है तब सॉल्यूशन देखिए, ओके। सो रिमेंबर दैट, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसी तरीके से होता है, और गेम चेंजर है ये सब्जेक्ट, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है गेम चेंजर, क्यों, क्योंकि इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यू शुड रिमेंबर दैट, ओके। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर सॉल्व करने से पहले, देखिए आपको क्या कह रहा है, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ओके, वेरी गुड, एक्स और वाई आर रियल वेरिएबल्स एंड आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट, जहां पे दिया मॉड्यूलस ऑफ 2z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2, देन द पॉइंट z डिस्क्राइब्स, यानी आपको ये बताना है वो पॉइंट z किस तरीके का है। तो हमारे पास जाहिर सी बात है x और y का रिलेशन बनना चाहिए। यहां पे ऑप्शन को देखें तो सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, यू शुड रिमेंबर, ओके। नाउ अब हम चलते हैं, देखते हैं यहां पे हमें जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 2z माइनस 1 और z माइनस 2, तो यहां पे दिया है 2z माइनस 1 और z माइनस 2, जेड क्लियर, यही है, हाँ। चलिए तो हमें पता है कि z इज इक्वल टू कितना है भाई, x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई का मतलब है ट्वाइस ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1 x प्लस आई वाई माइनस 2, यानी जब आप इसे लेकर आएंगे तो 2x माइनस 1 प्लस 2iy, ओके, ऑलराइट। दूसरा वाला क्या होगा, x माइनस 2 प्लस iy। अब यहां पे आप करोगे क्या, आपको पता है जब आप किसी चीज का मॉड्यूलस ले रहे होते हो तो जाहिर सी बात है रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाता है, यानी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहां पे आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। यहां पे कह रहा है भाई देखो, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा गौर से देखिए, माइनस का 4x दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट आपके पास बचेगा क्या, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो। अब आपके पास बचेगा, जरा गौर से देखिए, x स्क्वायर इधर आया, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आपका कितना होगा भाई, जरा गौर से देखो, यहां पर आया वाई स्क्वायर कटेगा तो प्लस 3y स्क्वायर,
ठीक है, और अगर आप 1 उस साइड भेजोगे तो बचेगा 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। आपको रेडियस दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये आपका क्या है, एक सर्कल है, रिमेंबर दैट। ओके, ये आपका क्या होगा, एक सर्कल होगा, यू शुड नो। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको डील करना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ये हमारा अगला सवाल है। ओके, देखिए यहां पे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा व्हाट इज द वन, व्हाट इज द वन स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 + 4i, वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। यानी आपको बेसिकली इसका स्क्वायर रूट चाहिए 3 + 4i का। अगर आपको 3 + 4i का स्क्वायर रूट चाहिए तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे, ये चीज समझिएगा। आप इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस आई वाई के इक्वल कर देंगे। जब आप इसको एक्स प्लस आई वाई के इक्वल करेंगे तो आप बोथ साइड क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे भाई। क्यों, क्योंकि आपको ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi इज इक्वल टू 3 + 4i। अब आपको क्या करना है, आपको रियल और इमेजिनरी सेक्शन को इक्वल कर देना है। तो देखिए, रियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 और इमेजिनरी सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, 2xy बराबर 4, क्योंकि i को रिलेट करा देंगे आप आयोटा। यानी अगर आप जरा गौर से देखें तो आप यहां पे बात करेंगे तो ये आपका xy बराबर कितना आया, 2। भाई एक चीज समझो, xy बराबर 2 है और आपका क्या है, ये वैल्यू 3 के बराबर है। अब आप खुद सोचो, अब आप कैसे, अगर आप दिमाग दौड़ाओ तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या होना चाहिए, 4। तो वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए भाई, वाई स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। ये बात समझे कि नहीं समझे, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 3। तो 4 - 1 बराबर 3 है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा है कि देखिए, यहां पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको मानना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मानना भी सीखना जरूरी है। अब यहां पे समझिए, अगर 4 - 1 आप देखो तो 3 मैच कर रहा है, और अगर आप देखो x की वैल्यू तो x की वैल्यू +-2 आएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगी। अगर x आपका +-2 है और y आपका +-1 है, दैट मीन्स आपका स्क्वायर रूट जो निकल कर आएगा वो किस फॉर्म में निकल कर आएगा भाई, +-2, ठीक है, +-2 और +-i, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। यानी आपको कौन सा, आपका ये वाला आंसर करेक्ट होगा, 2 + i, यानी प्लस वाली वैल्यू आप ले सकते हो। ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है, अगर यहां पर समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने जो फैक्टर थे मैंने वो दिखा दिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है सवाल। अब आप कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज पॉजिटिव, ठीक है, द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर, यानी अब यहां पे समझने की जरूरत है ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव क्या होगा। अगर इसके फैक्टर करो तो क्या होगा, 30 - 1 = 30, यानी 6 और 5। अगर आप देखें तो माइनस माइनस, इसका मतलब है प्लस का 6 और माइनस का 5। तो जाहिर सी बात है एक्स इज ग्रेटर देन, भाई यहां पे आप देख सकते हो ना, एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो सकता है भाई, 6, और एक्स इज लेस देन -5। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको करना है, यहां पे पॉजिटिव एक्सप्रेशन को आपको लेके चलना होगा, ठीक है। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अब ये लॉगरिथम पे है, इसको कैसे आप, माफ करिएगा, लॉगरिथम पे है, अब इसको आप कैसे टैकल करेंगे। तो देखिए यहां पे लॉग ऑफ a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन a माइनस बी, भाई ये सिर्फ a माइनस बी है, हाँ ये कॉमा लगा है यहां पे, तो आपको लग रहा होगा कि a माइनस बी के ऊपर है। अब आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू कैसे बताओगे, a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c, इसको कैसे करोगे भाई, ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना। तो इसका कोई तो तरीका होना चाहिए भाई, देखो यहां पे log a b c, और फिर आप बराबर करोगे log b अपॉन c a, फिर बराबर करोगे log c अपॉन a माइनस b, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको किसका रिलेशन बनाने लगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको एक कांस्टेंट के बराबर कर लीजिए। जब आप इसको एक कांस्टेंट के बराबर कर लेंगे तब आपका काम बन जाएगा। देखिए यहां पे
log a बराबर आपका क्या हो जाएगा k b माइनस सी, सिमिलरली log b बराबर आपका क्या हो जाएगा k c माइनस a, और log c बराबर क्या हो जाएगा k a माइनस b। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको ये समझ में आ रही हो तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि अब यहां पे a टू द पावर a, b टू द पावर b, तो c टू द पावर c, यानी हमें क्या लेके चलना है। अब चलिए देखते हैं, अगर आप यहां पे देखें तो a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c, अगर हम इसका भी लॉगरिथम ले लें, क्यों ले लें अभी देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। अगर आप लेंगे तो ये log a टू द पावर a प्लस log b टू द पावर b प्लस log c टू द पावर c क्या हो जाएगा भाई, a log a प्लस b log b प्लस c log c। अब यहां पे समझिए आप, यहां पे आपको पता है कि नहीं पता है, यहां पे जरा गौर से देखिए, a log b log c की वैल्यू दी हुई है, log a जहां पर है वहां पे k b माइनस c, log b जहां पर है वहां पे c माइनस a, log c जहां पर है वहां पे a माइनस b, तो रिमेंबर दैट एंड पुट द वैल्यू ऑफ देयर, यानी a k b माइनस c प्लस b k c माइनस a प्लस c k a माइनस b। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का यही मेथड है, ये चीज समझ लीजिए, क्यों अगर आप उस फॉर्मूले से जाएंगे जो एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टक कर जाएंगे, और पहली बार में दिमाग में आना ये मेथड, बस यही चीज सीखना है आपको, ठीक है। अब यहां पे जब आप यहां पे एक सारी चीजें आप इक्वल पुट कर रहे हो तो अब आप खुद देखो, यहां पे a भी बन रहा है, ठीक है, यहां पे भी आपका क्या बन रहा होगा भाई, यहां पे भी ए बी बन रहा है, देखो यहां पे प्लस ए बी और यहां पे माइनस ए बी, क्या एलिमिनेट नहीं हो रहा है, हो रहा है, यहां पे देखो ए सी बन रहा है माइनस का, तो यहां पे कितना है प्लस का ए सी, क्या एलिमिनेट नहीं हो रहा है, हो रहा है, यहां पे देखो बी सी बन रहा है, ठीक है, प्लस का, और यहां पे देखो बी सी बन रहा है माइनस का, मेरे ख्याल से सब कट गया यार, जीरो आ गया, और जब ये वैल्यू आपकी जीरो आई तो जाहिर सी बात है वो किसके बराबर होगी, लॉग वन के, तो जब आप लॉग से कंपेयर कराओगे उसको, वो ध्यान से समझना, जब आप कंपेयर कराओगे अल्टीमेटली तो वो लॉग वन की वैल्यू हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने लॉग लिया है तो किस चीज के बराबर लिया होगा, किसी वैल्यू के बराबर लिया होगा, ठीक है। तो यहां पे जब आपका जीरो आ रहा है तो आपने किसी भाई इसको सपोज किया होगा, आपने जो है सपोज कर लीजिए टी के बराबर आपने सपोज किया होगा, जब आपने टी के बराबर सपोज किया होगा तो लॉग टी लिया, तो लॉग टी का मतलब क्या हुआ, आपका जीरो आ गया, वो वन आ गया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत ही आसान है, तो यहां पर क्या है, लॉग ऑफ बेस 10 2 इज इक्वल टू 0.3010। अब आपसे कह रहा है log of base 10 5 की वैल्यू बताओ, भाई आपके दिमाग में कैसे आएगा, आप कहोगे हमें 2 की वैल्यू पता है 5 की नहीं पता है, पर कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आपका रूल है logarithm का, ये ध्यान रखिए, तो आप क्या यूज करेंगे भाई, log of base 10 10 by 2, क्या ये 5 नहीं होता है, हमने 2 क्यों यूज किया, क्यों, क्योंकि हमें log 2 की वैल्यू पता है, ठीक है। अब यहां पे देखो log ऑफ m बाय n क्या होता है, log ऑफ 10 बेस 10 माइनस log ऑफ बेस 10 2। अब आप ये सोचो इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, सेम बेस और सेम नंबर वैल्यू 1, माइनस 0.03010, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 0.6990, ओके। तो यहां पे ये समझने की जरूरत है कि आपको सवाल कैसे टैकल करना है, बहुत ध्यान से समझिए। तो अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर बनता है, शेयर बनता है, कमेंट, दोस्तों ये चीज समझ लो कि हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो स्टे विथ अस, ओके, और शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अगला सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 6:20 के साथ है, ये 6 नहीं है, छठा नंबर का क्वेश्चन है कोइंसिडेंटली, ओके। अब यहां पे समझो ये क्या चीज दिख रही है भाई, ये आपको दिख रहा है 6^1/2, 6^1/4, 6^8, 6^2 6^1/4 6^1/8 6^1/ कितना हो जाएगा भाई, दो 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 कितने पावर में बन रहा है, तो यहां पे ये हो जाएगा 16 एंड सो ऑन चलता जाएगा, आपके सामने कहां तक गया है, इनफिनिटी तक, दिमाग लगाओ, मुझे आंसर लगातार दिख रहा है, मुझे आंसर क्लियरली दिख रहा है। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे 6 6^1/2, ठीक है, और प्लस 1/4, प्लस क्यों हो रहा है भाई, पावर याद है ना, सेम बेस में पावर्स क्या होती है, ऐड 1/8 1/16 1 बाय एंड सो ऑन इंफिनिटी।
अब आप याद करिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ये, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, इफ r इज लेस देन 1, इन दिस केस r विल लेस देन कम, क्योंकि r आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड वाला टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला टर्म। तो यहां पे जब आप डिवाइड करोगे 1 बाय 4 बाय 1 बाय 2, यू विल गेट 1 बाय 2 एज कॉमन रेशियो। तो अब यहां पे कॉमन रेशियो मिला, तो अब आप यहां देखिए, फर्स्ट टर्म आपका 1 बाय 2 है, तो इसका मतलब 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 आपका आंसर, आंसर नहीं बल्कि आपका ये वैल्यू कितनी होगी, 1 आ जाएगी। यानी ज्योमेट्रिकल सीरीज का, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सीरीज जो आपको मिली उसका सम 1 आया, टिल इनफाइनाइट। ओके, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि 6 टू द पावर 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 6 हो गया, दैट्स इट, खत्म कहानी, बहुत ही आसान सवाल था। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का चुटकियों में, ठीक है, मुझे प्रोसीजर बताना था, मैंने बता दिया, बल्कि आप देख के कर सकते थे 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 8 एंड सो ऑन, सो रिमेंबर दैट। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका जीपी, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो एपी पर था, इस क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो जीपी पर है, बहुत ध्यान से समझो। थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, जीपी क्या होता है, ए आर एन माइनस 1, ए आर एन माइनस 2 एंड सो ऑन, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो हम यहां पे अगर देखें तो थर्ड टर्म क्या होगा, T3 और T5, यहां पे क्या होगा, ए आर 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर किसके बराबर है, 12 के बराबर। अगर यहां पे ए आर स्क्वायर है तो ये भाई क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 4 किसके बराबर, 48। यानी अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको ए कॉमन दिख रहा है, उठा के डिवाइड कर दो, जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपका ये किस्सा खत्म, ये भी गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर 2, आर बराबर 2 हुआ तो आपसे पूछा गया है भाई इट्स सेकंड टर्म, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, और आपको बताया 12 बराबर a इंटू 4, यानी a की वैल्यू आई 3, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट टर्म आया, और आपसे पूछ रहा है सेकेंड टर्म, बताइए सेकेंड टर्म क्या होता है भाई, ए आर होता है ना, और 2 इंटू 3 यानी कितना, 6, दैट मीन्स योर आंसर इज डी। ये तरीका है इसे सॉल्व करने का, बहुत ध्यान से करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। अगला सवाल देखो यहां पे, इसमें मैं आपको गजब की शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे करना है ये बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको दिया इसीलिए गया, देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दिए सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां पे जाके फंस जाएं, और यही हमें नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हम अगर फंसे तो फिर गए काम से, तो इस बात का ध्यान रखिए। कह रहा अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 34, अभी बताता हूं, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। भाई ध्यान से समझो, अर्थमेटिक मीन यानी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, यानी एवरेज ही होता है एक तरीके से, वो है 34 के बराबर, तो a प्लस बी बराबर आपका 68। अब दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भाई, याद करिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दो नंबर्स का, ठीक है, ये सब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जब कोर्स स्टार्ट करूंगा तब जरूर बताऊंगा, ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टारगेट है सितंबर का। तो आई होप आपका बेसिक कवर होगा, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, एंड उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ, रिकॉल करता जा रहा हूं, और हर बार नए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं इसलिए क्योंकि आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, सो रिमेंबर। तो यहां पे देखिए, अंडर रूट ऑफ ए बी बराबर आपका 16, यानी ए बी, ओहो, ए बी बराबर आपका हो जाएगा 256। अब भाई आप ये कैसे करोगे, देखिए एक गलती आप करेंगे यहां पे, जिसे मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, डोंट गो बाय दैट वे, ओके, ये चीज समझ लीजिए, हमारे पास क्या पूछ रहा है भाई, द नंबर्स, सबसे अच्छी बात ये, अगर मैं होता तो ये नहीं पूछता, मैं होता तो ये पूछता, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द डिविजन ऑफ दैट नंबर्स, तब पता ही क्या होता, आप कंफ्यूज हो जाते, क्यों, यहां पे तो मैं आपके सामने लूप होल है, और बल्कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लूप होल कैसे, क्योंकि दोनों नंबर दे दिए, अब आप यहां पे पकड़ के आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, क्यों, देखिए आप खुद सोचो, इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, 68, दैट मीन्स भाई देखो एक चीज समझ लो, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट है जिसमें यूनिट पे 6 आ रहा है, अब अपना दिमाग लगाओ, दिमाग, अब देखो 8 0 यानी 0 आएगा, ये कट गया, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा,
और अगर आप इसको देखो, चार चौको 16, ये भी गया क्यों? हाँ नहीं नहीं ये है, ये है, माफ करिएगा, ये है चार चौको 16, ये पॉसिबल है। पर अगर हम इसको छोड़ दें, हमारे सामने दूसरा ही आ गया, अगर चौथा आता ऑप्शन ये, तो मान लो फिर ये होता तो 2 × 12, ये भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूनिट पे कितना है 6, 6 × 12, ये भी नहीं होता। तो ऑल्टरनेटली हमें ऑब्वियसली चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम चेक करके बता भी दे रहे हैं आपको, 64 × 4 क्या होता है, 4 × 16, 4 × 24, 25, यानी 256। सो योर आंसर हैज बिकम बी ऑप्शन। इस तरीके से स्मार्टनेस यूज करनी है, डोंट पुट एट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज समझ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बना लेना वरना फंस जाओगे, रिमेंबर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसको भी करने का एक तरीका है। देखो कह रहा है द पियथ क्यूथ आरथ टर्म ऑफ एपी, एनथ टर्म का फॉर्मूला पता है, लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर सवाल कराया था, याद करिए। देखिए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बी ये है ए बी और सी रिस्पेक्टिवली, देन आपको बताना है ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू। चलो देखते हैं, अगर हम यहां पे ये हटा दें और पीएथ है ये हटा दें, तो भाई जरा गौर से देखो, हम इसको अगर मान ले पीएथ टर्म, ठीक है पीएथ टर्म मान ले, और हमारा वो बराबर होगा ए के, ठीक है ये हमारा ए के बराबर होगा, इसको हम भाई ये कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको लगेगा कि ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, बी बी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन डी, सी सी बराबर ए प्लस आर माइनस वन डी, अब क्या करोगे, फिर कंफ्यूजन हुआ भाई। एक चीज और गौर करो, ए के साथ क्यू माइनस आर है, बी के साथ आर माइनस पी है और सी के साथ इतना है, तो हम भी वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको दिखा देता हूं मैं आपको, हमें जो जो कह रहा है हमें इंट मिलता जा रहा है, देखो हम इसे क्यू माइनस सॉरी हम इसे क्यू माइनस आर से गुणा करेंगे पूरे टर्म को, हम इसे और दूसरे वाले को आर माइनस पी से गुणा करेंगे पूरे टर्म को, और तीसरे वाले को हम गुणा करेंगे p माइनस क्यू से, ठीक है इस पूरे टर्म को। अब जरा गौर से देखिए, आपका हर बार आ रहा है q q, तो देखो एक बार q आपका पॉजिटिव है और दूसरी बार q आपका नेगेटिव है, एलिमिनेट हुआ हुआ, उसके बाद r आपका नेगेटिव है, ठीक है, और यहां पर p आपका सॉरी यहां पर आपका r पॉजिटिव है, तो ये देखा जाए तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या हुई जा रही है, एलिमिनेट हुई जा रही है सारी, ये पूरा टर्म आपका जब ऐड होगा, क्योंकि हमें इसे ऐड करना होगा, अल्टीमेटली हमें इसी की वैल्यू चाहिए, तो वो बराबर किसके आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा। अगर आप इसे चेक करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, एंड योर आंसर विल बी डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आप इसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। भाई खुद सोचिए, एक बार पी आर आपका नेगेटिव में है और एक बार पी आर आपका देखो पॉजिटिव में है, तो देखो ये चीज देखो, तो सारी चीजें क्या है यहां पे एक दूसरे के साथ एलिमिनेट हो जानी, तो सो तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी एक जादुई मेथड है, यानी मैजिकल मेथड है, उसके साथ सॉल्व करना है। अब आप कैसे करोगे और मैं कैसे करूंगा देखना, इसमें भी मैं आपको परेशान करने के 10 तरीके ढूंढ सकता हूं, लेकिन ये एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन दे रहा है ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है लगभग, ये चीज याद रखिए, एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन दे रहा है वो कहीं ना कहीं ईजी हुए जा रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे डिफरेंस जो है ये एन टर्म्स का है, ठीक है एन टर्म्स की जो है वो है सीरीज, तो डिफरेंस आपका कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, तो अब आप खुद सोचिए, n हमें नहीं पता है कितना है, n by 2, 2a, 2a का मतलब है ये a पहला टर्म 6 हो जाए, पहला टर्म 3 है तो 2 into a 6 हो जाएगा, प्लस n minus 1 यानी n minus 1, डिफरेंस कितना है 2 डिवाइडेड बाय, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब इसका देखो डिफरेंस कितना है 3 है, डिफरेंस इसके 3 है, ठीक है, और यहां पर हमें करना पड़ेगा इसको कैसे, चलिए देखते हैं। अगर यहां पे देखो तो यहां पे आपके क्या हो रहे हैं भाई, यहां पे डिफरेंस 3 है, तो यहां पर अगर हम ले अप टू 10 टर्म्स सके, ठीक है तो यहां पे हो जाएगा 10/2 और यहां पर आपका होगा 2a, 2a यानी 10 प्लस n यानी 9, 9 इंटू कितना भाई
9 into 3 इज इक्वल टू 7। अब यहां पे आप देखो ये 5 हुआ, ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा 10 और 27 37 और 5। और यहां पे कितना है भाई, यहां पर आपका हो जाएगा ये 14 के बराबर हो जाएगा। चलो तो n, और यहां पर आपका हो जाएगा 2n-2 यानी 4 एक तरीके से। अब देखिए यहां पे आप कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है, अगर आप यहां ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो भी आप कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। जरा गौर से देखिए, अगर हम देखें तो n+2 डिवाइड बाय, यहां पर अगर आप देखें तो 7 × 5 = 35, ठीक है, 5 × 15 = 18 इज इक्वल टू 14 × 2 = 28, ठीक है। अब यहां पर आप खुद सोचिए कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे भाई, n बाई 2 था वो, सॉरी माफ करिएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये n बाई 2 नहीं है, यहां पे 7 ही बचेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 कैंसिल कर देगा उसको, हमें मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहां पे समझिए कि यहां पर आपके पास कितना है भाई, जरा गौर से देखो, n+2/185 = 7, जरा गौर से समझो। अभी इसका जब ब्रेक हुआ था तो देखो क्या था, 5 × 35 = 37, तो n+2 क्या आपका 35 × 37 के बराबर नहीं है? अगर ये चीज आपको दिख रही है तो आपको यहां पर n की वैल्यू तो पता ही चल रही है ना, क्यों, क्योंकि n को अगर आप 35 रखोगे तो फिर दूसरा वाला 37 हो जाएगा, तो 35 37 का गुणा हमें मिल जाएगा, इसका मतलब है वो पद कितने थे जो न्यूमरेटर में थे, वो 35 पद थे। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का, ये मत करिएगा कि आप क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, इधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, ना क्वाड्रेटिक वाली कोई काम नहीं। अगर इस तरीके से दिया है तो ऑप्शन, मैं आपके सामने सवाल पुट अप करता तो क्या करता, मैं आपके सामने सवाल पुट अप करता तो बोलता कि अब अगले इतने टर्म का सॉल्यूशन बताओ, तो उसमें पता है क्या होता, आप ऑप्शन का यूज ही नहीं कर पाते। तब आपके सामने कौन सा दिमाग आता, तब आपके सामने ये हिट एंड ट्रायल वाला दिमाग आता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं हर तरीका आपको समझा रहा हूं इसीलिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, ये आपका सेट थ्योरी पर बेस सवाल है, पर बहुत अच्छा सवाल है, कैसे आप करेंगे भाई, यहां पे समझो पूछ रहा है आपसे। देखो कह रहा है लेट यू यूनिवर्सल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक के, बस उससे ज्यादा नहीं। कह रहा है बी द यूनिवर्सल सेट, ओके, एन बीइंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए जो है सेट बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 से, और बी बिलोंग कर रहा है 2 3 6 10 से, देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी। आप इसको कैसे करेंगे भाई, यहां पे समझिए, ए माइनस बी का मतलब पहले समझिए कि ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है, तो बी का कोई भी एलिमेंट आपके ए के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अब बात यह आ रही है कि अगर आप यहां पे देखें तो बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 3 2 3, तो हम यहां पे एलिमिनेट कर देंगे इनको, और जब हम यहां पर देखेंगे कि 1 4 और बस बचेगा कितना, 1 4, क्यों, क्योंकि हमें बी वाला बिल्कुल भी नहीं लेके आना, और जो कॉमन है उसको तो बिल्कुल हटा देना है, तो इसका मतलब 1 4 आया, 1 4 आया आफ्टर ए माइनस बी, बट यहां पे समझिएगा ए माइनस बी बाद 1 4 आया, पर उसका हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट था 1 से लेकर 10 तक के, यानी आप 2 से स्टार्ट करोगे 3 5 6 7 8 9 10, ये सब आ जाएंगे एक्सेप्ट 1 और 4 के। तो अब आप गौर से देखिए कौन सा दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो ये बात आपको समझनी है कि इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, x इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100, यानी लेस देन 100 है, एंड b इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी, यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कितने, हाँ कार्डिनलिटी a इंटरसेक्शन b। चलो आप पहले तो ये चीज समझो कि x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100, तो भाई पहली बात समझिए नेचुरल नंबर है और लेस देन 100 है, तो आप कैसे करोगे भाई, यहां पे समझने की जरूरत है इसको, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा आप इसे कैसे करोगे, x इज अ नेचुरल नंबर और b इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स,
ठीक है, चलिए हम देखते हैं। बी सेट है इवन नेचुरल नंबर, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। अब यहां पे अब आपको सोचिए ए स्क्वायर कितना होगा भाई, यहां पे जो ए के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1, 4, 9, 25, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और लेस देन 100 है तो हम उसे नहीं जाएंगे। अब बात यहां पर आ रही है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप कौन से टर्म लोगे और बी आपका क्या है, बी भाई देखो एक चीज समझो, बी के जो इवन वाले स्लॉट्स के नंबर हैं वो तो जरूर आएंगे, क्या ऑड वाले स्लॉट्स के नंबर आएंगे आपके, ऑड वाले नहीं आएंगे। तो 4 आएगा, 16 आएगा, 36 आएगा, 64 आएगा, दैट मीन्स कार्डिनलिटी इज 4, नथिंग एल्स। ये बात समझ में आई, आई होप यू अंडरस्टूड इट। भाई अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ये आपके लिए ही कर रहे हैं। सितंबर का टारगेट बना के चले हैं और ये मान के चलो सारी चीजें क्लियर करवा देंगे। ठीक, अगला एंड दिस क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी, हर बार मैं नए नए सेट की तरफ आ रहा हूं। अब यहां पर समझो, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ 2, 3, B belongs to set of 4, 5, C belongs to set of 5, 6, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, then what is the number of element A cross B intersection C, पकड़ लो भाई। सबसे पहले B intersection C, B intersection C का मतलब है जो दोनों में क्या हो, common हो, यानी आपका कौन सा होता है, ये वाला portion, ठीक है। तो आप यहां पे खुद सोचिए भाई, अगर बी और सी को अगर आप देखें, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बी और सी को अगर आप देखें तो ये 5 सिर्फ कॉमन है, तो अब ये यहां पे बचा 5 और ए के पास है 2 और 3 और आपको इसे गुणा करना है, इसका मतलब है ये पेयरिंग बना लेगा। देखो 2 का 5 के साथ और 3 का 5 के साथ और कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कितने कार्डिनल बने भाई यहां पे, माफ करिए कितने एलिमेंट बने, 2 ही एलिमेंट बने। सो योर आंसर इज 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और कि ये जो सेशन आपके लिए रखा गया है, ये मान के चलिए ये इसलिए रखा गया ताकि आप सारे डाउट्स क्लियर कर सके, और फिर भी अगर डाउट है सो यूज माई टेलीग्राम चैनल जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैथ्स बाय बेग सर, ओके डिफेंस, तो आप यहां पे इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, आप यहां पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके मैं सारे मैथ्स के डाउट वहां पर सॉल्व कर सकूं। ठीक है, हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, आपके जो भी क्वेरीज हैं जस्ट पुट अप इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन नो अबाउट इट। और एक चीज और, प्रेस द बेल आइकन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेस बेल आइकन, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज समझिए, अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहीं तक रखता हूं मैं अपना सेशन, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो डेफिनेटली कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे, और एक कंबाइंड मेरा इरादा है कि आपके सामने कुछ नए नए इनोवेशंस करना। सो स्टे देयर, जस्ट मीट मी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।